क्या आपको भी ऐसा लगता है कि YouTube एल्गोरिदम आपके YouTube चैनल को प्रमोट ही नहीं करता? तो आज की वीडियो में बताऊंगा आपको YouTube एल्गोरिदम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, कैसे आप इसका फ़ायदा उठाकर मस्त वाला ग्रो कर सकते हो। तो देखो, YouTube ये चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाइम स्पेंड करें। इससे क्या होगा कि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाएंगे और ऐड का पैसा उनके कंपनी को मिल जाए। तो यूट्यूब एल्गोरिदम समझने के लिए आपको दिमाग से यूट्यूब एल्गोरिदम ये वर्ड निकालना है। CTR, SEO आपके यूट्यूब की सेटिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यूट्यूब जो है दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है एल्गोरिदम के लिए। इसमें से पहला है ऑडियंस रिटेंशन और पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में क्या होता है कि यूट्यूब व्यूअर्स की हिस्ट्री देखता है कि उसको किस टाइप की वीडियो देखना पसंद है और उस टाइप की वीडियो वो रिकमेंड करता है देखने के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए बता दूँ कि एक समझो एक यूट्यूब गेमर है, उसके YouTube चैनल पे सारी गेमिंग की वीडियो पड़ी रखी है और जो उसकी हिस्ट्री भी गेमिंग की है। अभी YouTube को तो पता होगा कि वो किस टाइप की वीडियो देखना पसंद करता है और उसको रिकमेंड भी वैसे वीडियो करेंगे जो वो देखना चाहता है। तो इस तरीके से पर्सनलाइज से YouTube प्रमोट करता है वीडियो। जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे गेमर्स YouTube पर एक ही साथ कितने सारे वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो यहाँ पर YouTube सेकेंड चीज़ पर फोकस करता है जो कि है परफॉर्मेंस। अगर तुम यहाँ पे नोटिस करता है कि कौन सी जो वीडियो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आया या फिर व्यूअर्स ने देख के ही वीडियो को स्क्रॉल किया, और अगर यूट्यूब की वीडियो देखी भी तो कितनी देर तक देखी, ये सारी चीज़ें यूट्यूब देखने के बाद यूट्यूब फिर सोचता है कि आपकी यूट्यूब की वीडियो प्रमोट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अभी मिलता है हमारे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।